का स्वरूप जो है, पदार्थ का स्वरूप जैसा हमने देखा और त्रिपदी का स्वरूप हमने देखा था। मेहता जी, आप थोड़ा कोशिश करना समझने के लिए, पदार्थ स्वरूप से क्या सिद्ध होता है, त्रिपदी स्वरूप से क्या सिद्ध होता है, हम आगे समझेंगे बात अभी। लेकिन त्रिपदी के कारण क्या सिद्ध होता है पदार्थ स्वरूप से। अभी आपने क्या सुना, जैसा इन्होंने बताया, पदार्थ स्वरूप से जगत का स्वरूप सिद्ध हो गया, और त्रिपदी से व्हाट इज हैपनिंग इन द होल यूनिवर्स, जगत में क्या हो रहा है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारा त्रिपदी के हिसाब से क्यों क्यों बतेगा। क्योंकि त्रिपदी के कारण उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती है, इसलिए आपको जगत में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, वो कालवाची हो जाएगा, कहाँ हो रहा है, क्षेत्रवाची हो जाएगा, कैसे हो रहा है वो बात। अगर त्रिपदी की व्यवस्था न करे तो यहाँ तो द्रव्य गुण पर्याय की बात ही है, जगत तो पूरा द्रव्य गुण पर्यायत्मक ही है, वो क्या रहा है उसके अंदर। इसलिए दो शब्द अलग अलग ख्याल में आए, स्वरूप और स्वभाव। तो स्वभाव के अंदर गुणात्मक आ जाएगा और स्वरूप में द्रव्यात्मक आ जाएगा। तो द्रव्यात्मक होने के कारण पूरे लोक का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो द्रव्यात्मक फॉर्म है, लेकिन इधर आपको जो है गुणात्मक स्वरूप देखना है। तो आज हम थोड़ा सा विचार गुण पर भी करेंगे। इधर देखिए, पहले द्रव्य और गुण, गुण और द्रव्य, ये मैंने एरो किया है। अभी इस एरो को आप बताएंगे, जिनल बेन बोलो, हाँ एरो करवाते शु मतलब थयो। आयरो थी रही तो के द्रव्य द्रव्य अने गुण अने गुण और द्रव्य दोनों साथ में रहते हैं। बोलिए कौन बोलेंगे साहब, कानन बेन बोलना है। द्रव्य और गुण एकदम परस्पर है, द्रव्य है तो गुण है, और जहां पे गुण रहेगा वह द्रव्य निश्चित है। बहुत अच्छा, चलिए क्या हो गया यहाँ पर, द्रव्य गुण का परस्पर का संबंध, क्या आश्रय आश्रय भाव, तो आधार आधेय भाव, ख्याल में आया। गुण स्वयं द्रव्य नहीं है, द्रव्य स्वयं गुण नहीं है, वाइस वर्सा, और द्रव्य गुण से भिन्न है, गुण द्रव्य से भिन्न है, लेकिन गुण का आश्रय द्रव्य है और द्रव्य गुण का आधार है। बोलेंगे आप, बोलो टीना बेन बोलेंगे। हाँ साहिब जी, द्रव्य गुण का आधार है और गुण द्रव्य का आश्रय है। जैसा मैंने एरो इधर किया है वैसा ही एरो में इधर भी कर रहा हूँ। अब आप बताइए साहब, ये भी 22 वर्षा आपको चलना है, तो दोनों के अंदर राहुल भी ये एरो क्या बता रहा है दोनों तरफ। द्रव्य की पर्याय है और पर्याय है तो द्रव्य है। बराबर, द्रव्य पर्याय का भी अविना भाव संबंध है। द्रव्य जब भी रहेगा तब परिवार पर्याय में रहेगा, और पर्याय जब भी रहेगी तब द्रव्य के साथ रहेगी। था द्रव्य के बिना पर्याय और पर्याय के बिना द्रव्य। अब इधर मैं तीसरा एरो इसके साथ करता हूँ, अब इधर भी आपको जोड़ना है, अब ये भी 22 वर्षा के साथ बोलना है साथ। दोनों में से आपको श्वेता बेन ख्याल आ रहा है, ये तीसरा एरो इधर भी किया है। गुण के वगर पर्याय, गुण अलग नो द्रव्य अलग छे, पर्याय पण अलग छे, कोनी वगर पर्याय नथी अभी इसी में अने खाली इसमें बोलेंगे तब आपको ख्याल आएगा। इधर दो, ने इधर ये दो, इधर ये दो, शब्द गुण बरोबर देखिए, संबंध बैठना है आपको। का गुण का गुण विना पर्याय नथी अने पर्याय वगर गुण नथी।
उनके भी पर्याय होते हैं, पर्याय का भी अपना गुण होता है, गुण पर्याय के साथ भी रहता है, पर्याय गुण के साथ भी रहेगा, दोनों परस्पर जुड़ते जाएंगे। द्रव्य गुण के साथ जुड़ा है, द्रव्य को पर्याय के साथ जोड़ा है, पर्याय को गुण के साथ जोड़ा है, तीनों परस्पर एक साथ में जुड़ गए हैं। तो तीनों का ख्याल आपको आ जाएगा समझने के लिए। कौन है रीटा बेन, बंद करिए। दूसरी रीटा बेन है, आप बंद करिए आपका। तो ये द्रव्य गुण और पर्याय जब तीनों एक साथ में जुड़ जाए और तीनों का ख्याल आपको आ जाए तो बराबर बात बैठ जाएगी। अब क्या बताया था इसके साथ में आपको, ये सब हम इकट्ठा करते हैं, ये मिलाते हैं, अब ऐसा लोकल है। इधर देखिए, अब लोकल स्वरूप जब बना आपने, तो जब लोक आपको बताया तो ये तीनों बात समझ ली आपने। अब तीनों का परस्पर एक दूसरे का साथ जिस प्रकार का जैसा संबंध है, अब इससे आपको दोनों समझ में आ जाएगा। तो ये जब तक हम आवाज नहीं, तो ये जो है आपको द्रव्य गुण और पर्याय का, तो अब इन तीनों के हिसाब से हमको समझना है। तो कैसे लोक स्वरूप इन तीनों का है, द्रव्य की भी, गुण के भी और पर्याय के। तो द्रव्य गुणात्मक भी है, द्रव्य पर्यायात्मक भी है। इधर देखिए, पर्याय द्रव्यात्मक भी है, पर्याय गुणात्मक भी है। इधर गुण को देखिए, इधर गुण द्रव्यात्मक भी है और गुण पर्याय में भी है। तब ये इतना जबरदस्त चलता है, इतना सा डायग्राम आपको जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होगा जब ये हम समझते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरा जगत के अंदर जो भी जो है, अभी आपने ये ले लिया कि द्रव्य और सामने है आपका गुण जो है। अब एक एक सेंटेंस जो बनाएंगे हम इनके बीच में परमानेंट प्रिंसिपल बनते जाएंगे। सब देखिए, द्रव्यानु योग फिजिक्स मैटर फिजिक्स का सब्जेक्ट ही ऐसा है। इसके अंदर पदार्थों के बारे में जितने प्रिंसिपल्स बनते जाएंगे वो परमानेंट प्रिंसिपल होंगे, वो चेंजेबल नहीं है, बार बार चेंज होकर बदलते नहीं जाएंगे। साहब, एक प्रिंसिपल केवल ज्ञानी ने बता दिया तो वो त्रैकालिक हो गया, वो सदाकाल रहेगा, फिर वो बदलता नहीं जाएगा, ये विशेषता है। अब द्रव्य के बिना, नंबर एक, द्रव्य के बिना गुण रहेगा ही नहीं। जब जब द्रव्य होगा तब तक उसका गुण अनिवार्य होगा, ये नियम हो गया। तो ये दोनों परस्पर एक साथ में दूसरे के साथ में जुड़ गए। अब क्या होगा, आपको द्रव्य है तो गुण है, गुण है तो द्रव्य अवश्य है। तो द्रव्य और गुण को एक भी मत करिए, लेकिन एक साथ में रखिए। द्रव्य है तो गुण अनिवार्य रूप में है। अब चाहे कोई भी द्रव्य, ध्यान रखिए, खाली आत्मा की बात नहीं है, आप सब में कॉमन रूप से लगाइए। गणधरवाद के अंदर हमारा फोकस एक समय सिर्फ आत्मा को सिद्ध करने पर लगा, यहाँ द्रव्यानुयोग में सिर्फ आत्मा ही नहीं है, सभी द्रव्यों के बारे में एक कॉमन प्रिंसिपल बनता है, वो अप्लाई होना चाहिए सबके अंदर एक साथ में। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का आश्रय आश्रय भाव संबंध, आधार आधेय भाव संबंध है। तो क्या संबंध जुड़ा है कि द्रव्य है तो गुण निश्चित रूप से है, गुण है तो द्रव्य निश्चित रूप से है, ये समझना है। अब मान लो कि गुण द्रव्य आपको अरूपी मिल गया सा, अरूपी पना क्या है, वो उसका धर्म भी है और किसी में गुण भी है। तो अरूपी पने से द्रव्य तो दिखाई नहीं देगा, आकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन गुण के आधार पर आप उसको द्रव्य को सिद्ध कर सकते हो। क्यों करते हो, नियम है। जैसे आपने कहा कि धुएं के बिना आग नहीं रहेगी या आग के बिना धुआं नहीं रहेगा,
धुएं और आग के बीच में जो उनका संबंध है वो कैसा है? कभी कभी क्या होता है, आग धुएं के बिना रहती है लेकिन धुआं कभी आग के बिना नहीं रहेगा साहब। लेकिन यहाँ पर कैसे है, दोनों परस्पर साथ में है। द्रव्य होगा तो ही गुण होगा, गुण होगा तो ही द्रव्य रहेगा साहब। तो मतलब क्या हुआ, द्रव्य भले ही ना दिखाई दे लेकिन गुण के आधार पर उसको पहचाना जा सकता है बहुत आसानी से। भले ना दिखाई दे, दिखाई देना ना दिखाई देने से द्रव्य के अस्तित्व का अभाव सिद्ध नहीं होता है। पहले ये समझना है हमको, द्रव्य का अस्तित्व अनिवार्य है लेकिन द्रव्य ना दिखाई दे इसका मतलब द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी भूल हमको नहीं करनी है। ये बात हमने बरोबर जो है गणधरवाद के विषय में सेट कर ली है, तो आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, द्रव्य तब है जब गुण है तो द्रव्य है। द्रव्य व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है लेकिन गुण तो व्यक्त ही है, क्लियर है, स्पष्ट है। अच्छा, गुण भी दिखाई ना दे तो व्यवहार में क्रियात्मक रूप में समझ में आ जाएगा, है तो सही अनिवार्यता उसकी, इस रूप में नहीं तो इस रूप में, ये बात हमको बैठ जाएगी। अब यहाँ पर ठीक इसको गुण के गुण को भी द्रव्य के साथ जोड़िए। अविना भाव संबंध जब हमने जोड़ा है तो बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा कौन किसके साथ अनिवार्य रूप से जुड़ता है, तो ये आपने देख लिया। अब क्या है, जितने द्रव्य है उतने गुण है, जिस द्रव्य की बात करेंगे उसके अपने अपने गुण है, ये आपको देखना है। अब द्रव्य आपने कितने बता दिए हैं, पांच द्रव्य है, तो पांच द्रव्यों के सबके अपने अपने स्वतंत्र गुण होने चाहिए। द्रव्यों की संख्या निर्धारित हो सकती है, गुण की संख्या निर्धारित नहीं होती है। कभी कभी एक द्रव्य के अनेक गुण भी होते हैं, कभी एक द्रव्य का एक ही गुण होता है, कभी एक द्रव्य के अनंत गुण भी होते हैं। इन पांच द्रव्यों के अंदर जब आप देखेंगे कि कौन कौन से द्रव्य आए, इधर आपने देखा कि आत्मा एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है, ये धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है और भूतल है। अब इनके अंदर आकाश का अपना एक ही गुण है, इधर देखिए धर्मास्तिकाय का एक ही गुण है, अधर्मास्तिकाय का एक ही गुण है, भूतल के चार मुख्य गुण है और एक ही ऐसी आत्मा है जिसके अनंत गुण बने हुए है। अरे संख्यात्मक दृष्टि से इनको अलग अलग बोलिए, प्रवीण जी यहाँ बोर्ड देखकर बोल सकते हैं। अलग अलग द्रव्य के अलग अलग गुण है, या धर्मास्तिकाय का एक गुण है, अधर्मास्तिकाय का एक गुण है, उद्गल के चार गुण है और आत्मा के अनंत गुण है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर, तो ये आपको संख्यात्मक स्वरूप में आया और अनिवार्यता इसके साथ जुड़ गई सर, तो ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। संख्या चाहे किसी की भी कम ज्यादा हो, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या कम ज्यादा भी हो परंतु द्रव्य गुणवान अनिवार्य रूप में सिद्ध होता है, बिना गुण का कोई द्रव्य होता ही नहीं है, अवश्य रूप से किसी न किसी गुण वाला ही द्रव्य होता है। क्या हुआ कि जो भी आप द्रव्य करेंगे तो ये यहाँ पर नियम किसका बताना है, अब ये आपने लिए द्रव्य, अब इन द्रव्यों के अंदर जो जिस प्रकार का जैसा द्रव्य है, अब ये है तो आत्मा ही द्रव्य है। अब आत्मा द्रव्य है तो उसको क्या कहेंगे, इस द्रव्य में अपनी तरफ से जो इनके गुण होंगे वो आत्मा के गुण अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे,
बराबर है। सभी गुण अपने आप में जिस प्रकार के ये है, एक दूसरा है, ये आकाश द्रव्य है। अब इस आकाश द्रव्य के अपने जो गुण है वो उसमें रहेंगे। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में कभी जाता ही नहीं है। बोलो चंद्रेश भाई, बोल सो। एक द्रव्य का गुण द्रव्य में जाता ही नहीं है। बस ये ही शब्द लगाना कंपलसरी है। क्या लाया? एक द्रव्य का गुण कभी भी दूसरे द्रव्य में जाता ही नहीं है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सभी अपने अपने कारण द्रव्य स्वतंत्र है, संदेह। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, एक तीसरा द्रव्य है। अब तीसरे द्रव्य के अंदर इसका अपना गुण है। अब इसके प्रदेश जो जिस तरह से बने हैं, इसके प्रदेशों में अब इसका अपना गुण निश्चित रूप से अनिवार्य है। और वैसा ही ये चौथा द्रव्य है। अब चौथे द्रव्य के अंदर भी आप यही देखेंगे। अब ये द्रव्य अपने हिसाब से जो है जिस प्रकार का है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये चौथा द्रव्य है जिसका नाम अधर्मास्तिका है। और ये धर्मास्तिका है पांचवा द्रव्य, ये जो है पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य का अपना स्वरूप जो जिस प्रकार का है, अब पुद्गल के अपने गुण धर्म है। इससे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर पांचों द्रव्य स्वतंत्र है, पांचों द्रव्यों के गुण स्वतंत्र है। द्रव्यों की अपनी स्वतंत्रता भी गुणों के कारण ही बनी है। आप समझ में आ रही है बात? बोलिए नाडा जी। पांचों द्रव्य स्वतंत्र है, पांचों द्रव्य के गुण स्वतंत्र है, पांचों द्रव्य की स्वतंत्र गुणों के कारण ही है। बिल्कुल सही। पांचों द्रव्यों की स्वतंत्रता अपने अपने गुणों के कारण। अगर द्रव्यों के सबके अपने अपने गुण स्वतंत्र नहीं होते तो द्रव्य कैसे हो जाते? द्रव्य यहाँ पर देखिए साहब, ये मैंने क्या बनाया है, द्रव्य का स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाया है। तो ये तो अपने हिसाब से एक सरीके हैं। इस दोनों में आपको समानता क्या लग रही है? श्वेता बहन आप ये देखेंगे, तीसरा चौथा, इन दोनों में समानता क्या लग रही है? आत्मा प्रदेश। चलो ठीक है, बोलिए सर। मेहता जी बोलिए। दोनों प्रदेश समूहात्मक पिंड है और आकार भी उसका एक ही है और एक ही साथ में है। दोनों की समानता द्रव्य से है। अब द्रव्य रूप में दोनों ही अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य है। दोनों में एक शरीर की समानता है, लेकिन गुण ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ नियम क्या बन गया? यहाँ का नियम ये बन जाता है कि गुणहा हाँ, ये नियम लिखा है मैंने, गुणहा भेद काहा। गुण जो है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करता है। समानता द्रव्य रूप में होने पर भी गुण ही द्रव्यों को भिन्न भिन्न करता है, अलग अलग करता है। ये इन दोनों के अंदर विशेषता आ गई। आपको लग रहा है कि दोनों द्रव्य तो एक शरीर के एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं लग रहा है। लेकिन समानता आपको द्रव्य रूप में लगने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे गुण आने से दोनों को अलग कर दिया। दोनों के अंदर जो है
प्रदेश समूहात्मक पिंड की रचना समान है, अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड की रचना समान है, लेकिन प्रदेशों की संख्या अलग अलग है। ये समानता द्रव्य रूप में नहीं है। आपको जब ये प्रश्न आएंगे तो बरोबर अलग अलग प्रश्न लिखना है। अब जब बात आएगी कि द्रव्य में समानता और विषमता दोनों बताइए, और फिर गुण में समानता और विषमता दोनों बताएं। अब चार पॉइंट आपको बताना है, बोलो कानन बहन, चार पॉइंट अलग अलग बोलना। नहीं जल्दी करिए, नहीं तो टाइम जाएगा। पारुल बहन बोलेंगे आप, चार पॉइंट आपको अलग से बोलना है। सर जी, द्रव्य के बिना गुण नहीं है, गुण के बिना द्रव्य नहीं है। पहले ही आपको बोल दो ना, पहले ही पनिशमेंट दे देना, ऐसे बोल दो आप तो। आपके तो ऐसे नहीं। चलो मेहता जी बोल रहे हैं, बोलिए। ऐसा दोनों प्रदेश समूहात्मक है, दोनों अखंड है, दोनों पिंड स्वरूप है, दोनों मगर ये तीन हो गए, और चौथा में दोनों अस्थिकायात्मक है। ये चार समानता हो गई। वो आपको चारों के 40 नवकार आ गए। मैं फिर से आपको बरोबर समझाता हूँ, कोशिश करिए। द्रव्य रूप में समानता गुण, और द्रव्य रूप में विषमता। गुण रूप में समानता या गुण रूप में विषमता, आपको वाक्य रचना किस प्रकार के कैसे बनानी है। अभी के शब्द ही है, इसलिए इधर उधर पीछे मत जाइए आप। द्रव्य रूप में समानता क्या है? अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड रूपता है, वो समानता है। विषमता क्या है? संख्या की विषमता है। आत्मा और आकाश में संख्या, प्रदेशों की संख्या की विषमता है। क्यों है? आत्मा के प्रदेश असंख्य ही है और आकाश के प्रदेश अनंत ही है। आत्मा के प्रदेश अनंत हो ही नहीं सकते हैं और आकाश के प्रदेश असंख्य हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? बोलो जिंदन बैल, बोलू भाव से, क्यों नहीं हो सकते हैं? जब जो क्वेश्चन आए, टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट समझिए, तो ही ख्याल आएगा जी। क्योंकि आकाश लोक में भी है और अलोक में भी है, इसलिए असंख्य नहीं है, अनंत। अढ़ार नवकारगण। अभी आपको मैंने पहले क्या समझाया है? मैंने प्रश्न पूछा है, आकाश के प्रदेश असंख्य क्यों नहीं हो सकते हैं? बोलिए मेहता जी। मेहता जी बोलिए। हाँ, एक भी आकाश के प्रदेश में से एक भी प्रदेश कभी बिखर नहीं सकता है, इसलिए वो अनंत का अनंत ही रहेगा। बस ये नियम आपको सबके साथ चारों में जोड़ना है। बस पुद्गल के सिवाय चारों में जोड़ेंगे। चारों द्रव्यों का कौन कौन? ये आत्मा, आकाश, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका। एक भी प्रदेश कभी खंडित होता ही नहीं है, एक भी प्रदेश कभी बिखरता ही नहीं है, इसलिए किसी का भी प्रदेशों की समूहात्मक रचना में से प्रमाण घटना ये पॉसिबल ही नहीं है। भले वो आकाश हो, भले वो आत्मा हो, भले वो कुछ भी हो। आपको बरोबर समझा है? समझा है, समझे कि नहीं? तो ये आपको ध्यान देना है। पारुल बहन, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो आप। साहिब जी, आपका कॉन्सेंट्रेशन, पारुल बहन का कॉन्सेंट्रेशन टूटता है, फिर आप बोल नहीं पाएंगे वापिस। तो आपको ध्यान का देना है। यहाँ पर बात ये आ गई, किसी भी इन चारों द्रव्यों का एक भी प्रदेश खंडित नहीं होता है, घटता नहीं है, इसलिए किसी का भी प्रमाण घटने वाला नहीं है। अब ये नहीं घटता है, इसी के लिए तो हमने अखंड शब्द जोड़ा है। अखंडता किसके साथ जुड़ी है? प्रदेश रचना के साथ जुड़ी है। तो प्रदेश रचना के कारण समानता आ गई,
अखंड प्रदेश समूहात्मा पिंड रूप है, ये आपकी समानता आ गई। अब उसमें द्रव्य में ही द्रव्यगत समानता द्रव्यगत विषमता, तो द्रव्यगत विषमता क्या रहेगी, प्रदेशों की संख्या, संख्या के अंदर आत्मा के प्रदेश असंख्य ही है, आकाश के प्रदेश अनंत ही है। अब दोनों तरफ जोड़िए साहब, आत्मा के प्रदेश अनंत काल में भी असंख्य से बढ़ करके अनंत हो ही नहीं सकते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा के प्रदेश अनंत काल में घट करके संख्यात भी हो ही नहीं सकते हैं। आप बरोबर जो है ये मैथमेटिक्स से भी ज्यादा हार्ड होता है लॉजिक का विषय। बोलिए किसको समझ में आया है, नरेंद्र जी शब्द बरोबर बोलना है। आत्मा के असंख्य प्रदेश कभी संख्यात होते ही नहीं है। आप शब्द छोड़ रहे हो बीच के, अनंत काल में कभी भी घट करके असंख्य से संख्यात हो ही नहीं सकते हैं, होते ही नहीं है। ठीक उसी तरह अनंत काल में आत्मा के प्रदेश बढ़ करके असंख्य से अनंत कभी हो ही नहीं सकते हैं। आप एक अक्षर भी एक शब्द भी इधर उधर नहीं करेंगे। बोलो पारुल बंद बोलो अभी। हंड्रेड नौकर, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, डेवलप योर कॉन्फिडेंस लेवल इन द प्रॉपर वर्ड्स। बस चलो जंबल ऑफ वर्ड्स, कोई जंबल नहीं करना, देखो दूसरे बोलते हैं सुनो। कानन बेन बोलो चलो। आत्मा के प्रदेश अनंत काल में बढ़कर असंख्य से अनंत कभी हो ही नहीं सकते, आत्मा के प्रदेश अनंत काल में घट कर असंख्य से संख्या कभी हो ही नहीं सकते। बस ये बात आ गई बरोबर। इन्होंने कैसे बोला विदाउट एनी जंपलिंग एंड प्रॉपर वर्डिंग, एक एक शब्द बरोबर बोला। आप कॉन्सेंट्रेशन रखिए तो ये शब्द बैठेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल सर, दिस इज द्रव्यानुयोग का विषय है, ये गणित के से भी ज्यादा हार्ड होता है और लॉजिकल चलता है, तो एक शब्द भी इसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और फिर आप लिख लेना साहब, और लिखने के अंदर आपको पहले क्या करना है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कंसंट्रेशन रखना है समझने में। आपको जिस समय लिखना है तो शॉर्ट हैंड में पॉइंट्स लिखिए, जस्ट लाइक द स्टेनोग्राफर। आप कागज पेन इसी समय फाइनल लिखने की मिस्टेक ना करें, एक बार शॉर्ट हैंड में आप लिखिए, लेकिन समझने का कंसंट्रेशन ज्यादा रखिए, और क्लास पूरी होने के बाद एक आधा घंटा एक घंटा निकाल करके फिर उसको डेवलप करिए, लैंग्वेज डेवलप करिए, वर्डिंग्स और सेंटेंस अच्छी तरह से, देन इट विल बी गो टू द प्रिंट, देन इट विल बी परफेक्ट। मैं आपको समझता हूँ कि यू आर सो फास्ट, आप फटाफट कलर स्केच लेंगे, कलर पेन लेंगे, डोंट मिस्टेक, कोई कलर पेन नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आपको एक ही सिंगल पेन से कंसंट्रेशन के अंदर स्टेनोग्राफर की तरह शॉर्ट में पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर दूसरी बार सुनते हुए आप उसको डिटेल करिए, डिटेल करते समय आपको लैंग्वेज वगैरह जो भी करना है, पैराग्राफ करना है, शब्द करना है, जरूर करिए बहुत अच्छी तरह से। तो ये क्या होगा, एक आपका परिश्रम होगा, पुरुषार्थ होगा, अब इस प्रकार टेक्स्ट बुक बनेगी, क्योंकि आज आपने जो भेजा है तो मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ साहब। ये सलाह सबके लिए काम की है। आप जब तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखेंगे तब तक ग्रह आपके सिर पर से उड़ जाएगा। मैं क्यों डबल प्रयत्न कर रहा हूँ घुटाने के, मुझे मालूम है कि सब्जेक्ट हार्ड है, और एमए के लेवल की बात को मैं एलकेजी में सिखा रहा हूँ, तो मेरे को मेहनत करनी बहुत अनिवार्य हो गई है साहब। लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, बस बात इतनी सी है। अब सब पदार्थों के अंदर भगवान ने क्या किया है,
भगवान तो केवल ही थे साहब, भगवान का तो उनका अनंत गुना है। अब भगवान के सामने तो केवल दर्शन में साफ दिखाई दे रहा है और केवल ज्ञान में जानने में आ रहा है, और भगवान तो विकराल भाव से कह रहे अब हम तो तीनों से वंचित है, तीनों से वंचित है। ना तो हमारे पास केवल ज्ञान है, ना केवल दर्शन, ना हमारे पास जो है वितरकता है। तो हमारा श्रुत ज्ञान आगे चल रहा है, मति ज्ञान, मति ज्ञान को आपको दृष्टि यहाँ बोर्ड पर जो है कॉन्सेंट्रेट करनी है, डायग्राम भी समझ में आ जाए, वर्डिंग्स उसके साथ में जुड़ जाए, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो सुनते ही बात आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि शब्द रखना बैठ जाए, मैं ऐसा नहीं कि मैं जान कूद करके सेंटेंस बहुत लंबे करता हूँ, नहीं, लेकिन शब्द एक भी नहीं छूटना चाहिए साहब। अब क्या हुआ यहाँ पर, आत्मा और आकाश, अब दो में क्या फर्क दिख रहा है आपको, एक चेतन द्रव्य है, ये चेतन द्रव्य है और ये अचेतन द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है और ये अजीव द्रव्य है। भले है तो द्रव्य है ना, आखिर वो बाद में हम अलग करेंगे, धर्म से अलग करेंगे, अभी किससे हमने किया है, ये नियम क्या बनाया है, गुणाहा भेदकाहा, मतलब क्या हुआ, गुण द्रव्य को एक से दूसरे को अलग करते हैं। छोड़िए जी बोलिए। हाँ महाराज, गुण जो है द्रव्य को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। हाँ जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है तो गुण के कारण है, गुण के कारण, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए गुण जो है सब दो सब द्रव्यों को एक से दूसरे को भिन्न करते हैं, इसलिए द्रव्य पांच है। आ रहा है ख्याल में आपको, नहीं तो अभी आपने ये देखा धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, मैंने हाथ ऐसे बताए, अब ये दो हाथ दिख रहे हैं, अब दोनों हाथ को ऐसे एक कर दिया था, अब आपको दोनों हाथ एक सरीखे दिख रहे हैं, अब कोई फर्क नहीं दिख रहा है, माप प्रमाण सन बिल्कुल एक सरीखा, लेकिन दोनों है तो अलग अलग है, धर्मास्तिकाय अलग है, अधर्मास्तिकाय अलग द्रव्य है, लेकिन दोनों ओवरलैप एक जैसे, सेम एज इट इज, धर्मास्तिकाय से अधर्मास्तिकाय में एक रत्ती भर भी आप फर्क नहीं कर सकते हो, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग होने से गुण जो है दोनों द्रव्यों को अलग कर रहा है, दोनों का क्षेत्र समान है, दोनों का आकाश समान है, दोनों का प्रमाण समान है, दोनों के प्रदेश समान है, कह रहा है कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के गुण भिन्न भिन्न होने के कारण दो अस्तित्व अलग अलग हो गए, दोनों का बिल्कुल ही अलग अलग स्वरूप हो गया, बाकी द्रव्यगत समानता और गुणगत विषमता है, ये हमको अब सब में बात बैठानी है। अरे ये बात समझ में, सबके अंदर ये बात बैठानी है, तो द्रव्यगत समानता कब किसमें कितनी है और गुण के कारण विषमता कैसी है, ये अलग अलग बात बैठ जाएगी समझे के नहीं। तो अब ये बैठना है, बैठानी है तो कैसे बैठेगी, क्यों बैठती है साहब, बोलिए प्रीति बहन रामिया, आप जब सीख रहे हो तो क्यों विंडो बंद करते हो, आप सीखिए सामने से। रसीला बेन शू थयो मारा से बोलू, छोकराओं ने स्कूल मोकलवो એટલે ડિસ્ટર્બ થશે, સોરી। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि गुण भेदक है, अगर गुण नहीं होते तो द्रव्य अलग अलग होते ही नहीं, लेकिन बिना द्रव्य बिना गुण का एक भी द्रव्य है ही नहीं, होता ही नहीं है ऐसा, जब द्रव्य का अस्तित्व है तो गुण का अस्तित्व उसी के साथ है, गुण का अस्तित्व है तो द्रव्य का अस्तित्व अनिवार्य रूप से उसके साथ है। अभी हमने क्या सीखा दो मिनट पहले, बिना गुण का कोई द्रव्य ही नहीं है और बिना द्रव्य का कोई गुण होता ही नहीं है सर, आ गई बात समझ में। एक एक प्रिंसिपल फिक्स कर लो और एक एक सेंटेंस गोल्डन सेंटेंस मत समझिए, एक एक सेंटेंस जो है प्रिंसिपल समझिए,
मूलभूत सिद्धांत समझिए। सिद्धांत होने के कारण क्या होता है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा। और कैसे सिद्धांत है, परमानेंट सिद्धांत है। भगवान तीर्थंकर एक के बाद एक होते ही रहेंगे। अब आज 24 भगवान हो गए, अगले 24 भगवान आएंगे तो वो सेम रिपीट करेंगे, एक अक्षर इधर उधर नहीं करेंगे। अब महावीर स्वामी यहाँ जो बोल करके गए, आज सिमंदर स्वामी महाविद्या में बोल रहे हैं, तो सिद्धांत ही बोल रहे हैं। यही सिद्धांत वहां स्थापित कर रहे हैं भगवान। इसीलिए तो प्रत्येक तीर्थंकर अनिवार्य रूप से केवल ज्ञान हो जाने के बाद त्रिपदी की देशना देकर पदार्थों की व्यवस्था बताते हैं। भगवान जगत की रचना नहीं करते हैं, भगवान पदार्थों की उत्पत्ति नहीं करते हैं, पदार्थ उत्पन्न नहीं करते हैं, बनाते नहीं है। तो भगवान ने तो सिर्फ त्रिपदी की मेथड दी है। अब त्रिपदी की मेथड से पदार्थों का स्वरूप आप क्लियर करते जाए, क्योंकि वही उस पदार्थों में होने वाली घटनाएं हैं, तो वो भगवान अपनी तरह से स्पष्ट करेंगे बस। अब क्या हुआ इस बात को न देखने के कारण, न समझने के कारण अन्य अन्य धर्मों ने बिल्कुल इस सिद्धांत से विपरीत सिद्धांत बैठा दिया, जो महावीर स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। जगत के अंदर पदार्थों की व्यवस्था ही ऐसी है, स्वरूप ही ऐसा है, स्वभाव भी ऐसा है। स्वभाव गुणों के कारण है, स्वरूप द्रव्य की रचना के कारण है, पदार्थ समूहात्मकता के कारण स्वरूप बना है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है। अब आपको क्या करना है, स्वरूप समझ में आ गया, स्वभाव भी समझ लो, गुणात्मक स्वरूप ना, ये सत्य स्पष्ट हो गया, ये त्रैकालिक सत्य हो गया, ये त्रैकालिक सत्य परमानेंट प्रिंसिपल हो गया। अब आपका ज्ञान इस प्रकार का होगा तो सम्यक, आपका दर्शन, आपकी मान्यता और श्रद्धा ठीक इस प्रकार की ऐसी होगी तो सम्यक, तो उसको सम्यक दर्शन कहेंगे। फिर आपने यहाँ पर अगर समझने में कमी रखी और बाहर जाकर फिर दुनिया के अन्य बातों को समझ लगेंगे तो वहां टोटल विरोधाभास है, टोटली विरोधाभास। विरोधाभास मतलब विपरीत बातें आएंगी, और वैसी विपरीत बातों को फिर दिमाग में भरेंगे तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, और मिथ्या ज्ञान के आधार पर आपकी मान्यता मिथ्या हो गई तो मिथ्यात्व फिर दृढ़ हो जाएगा, और जिस मिथ्यात्व में से हम अनंत काल के मिथ्यात्व में से ग्रंथि भेद करके बाहर निकल गए, और फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे। अब उस चक्कर में से बाहर निकल रहे हैं, मिथ्यात्व के चक्कर में से बाहर निकलने के लिए एक एक प्रत्येक पदार्थ का सही यथार्थ अंतिम सत्य जानना अनिवार्य। हम ये मेहनत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप मुझे धन्यवाद दीजिए। मैं आपको घुटा घुटा कर मेहनत कर रहा हूं और आप लोग समझने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अब तक तो लोग क्लास छोड़ के चले जाते क्या? नहीं नहीं नहीं, अब ये कौन दिमाग का दही करे, ये महाराज इतना घुटाते, ये बात दिमाग में बैठती नहीं है, ये कौन? कई लोग छोड़ के भी चले जाते, मुझे आश्चर्य है कि क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए मैं भी थोड़ी मेहनत करता हूँ, चलो ये लोग अगर टिके हैं, बने हैं, मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत कर रहा हूँ, थोड़े बात भी आगे बढ़ाऊ, समझेगे नहीं है बहुत आपको लगता है, लेकिन दिमाग में ये गांठ मत बांधिए कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा, ऐसा मत करिए आप। डेवलप योर कॉन्फिडेंस, डेवलप योर विल पावर, आई विल लर्न इट। ऐसी कौन सी बात है कि जो दिमाग में नहीं बैठ सकती है, क्यों नहीं बैठे? हाँ ये जरूर है, मेरा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, बस थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा दूं, थोड़ा सा मैं विल पावर डेवलप करूं तो बढ़ जाएगा। और इतनी अच्छी सब व्यवस्था हो गई है, कोई ना कोई समरी दे रहा है,
आप लोग नोट्स कर रहे हो और नोट्स के क्लास के रूम जो है उसके लिए अलग जो है एल्साबेथ ने एक एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आपको सबको नोट्स मिलती जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, आप 10 बार सुन करके फिर रिपीट कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर करके क्लियर करते जा रहे हो, फिर आप इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है, तो फिर तो बाद में थोड़ी सी एक बार दो बार और सुन करके अपना अच्छी तरह से डेवलप कर लो। चलिए साहब, घड़ी आगे बढ़ जाती है, फास्ट चली जाती है और विषय थोड़ा ही होता है, आगे ज्यादा नहीं हो पाता है। बोलिए अजी, प्रश्न पूछना है पूछिए। हाँ महाराज, मथे नंदामी साहब जी, आपने बोला हर द्रव्य स्वतंत्र है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हर द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र का अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न है, बनना एक ही नहीं है, आत्मा और आकार तो एक नहीं है, अलग अलग है, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका एक नहीं है, अलग अलग है, तभी अलग अलग है तो ही पांच हो रहे ना, पंचास्ती का है, पांच द्रव्य हम क्यों कह रहे हैं, क्यों अलग अलग है? अपने अपने गुणों के कारण तो स्वतंत्र हुए, सभी अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब डिफरेंट है, नहीं है आत्मा आकाश नहीं है, आकाश आत्मा नहीं है, धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका नहीं है, अधर्मास्तिका है धर्मास्तिका नहीं है, इंडिविजुअल स्वतंत्र अस्तित्व अपना अपना है। बोलिए दूसरा, आपने फिर बोला हर द्रव्य के गुण स्वतंत्र है, बिल्कुल वही मतलब डिफरेंट है। हाँ, तो गुण सबके स्वतंत्र अलग अलग है, आत्मा के गुण अलग है, आकाश के गुण अलग है, आत्मा के गुण आकाश में नहीं जाएंगे, आकाश के गुण आत्मा में नहीं जाएंगे, ये भी एक सेंटेंस बरोबर कर लो, गुण कभी एक से एक द्रव्य से संक्रमित होकर के दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है, जो गुण जिस द्रव्य का है अपना अपने गुण को छोड़कर वो दूसरे द्रव्य में नहीं जाएगा। अच्छा साहब, आपने एक बोला था कि आकाश के प्रदेश अनंत क्यों है और आत्मा के प्रदेश असंख्य क्यों है, इसका उत्तर क्या है? आत्मा के प्रदेश कभी बढ़ते नहीं है, कभी घटते क्यों नहीं है, आकाश के नहीं, प्रदेश वो बात समझ आई भी है, घटते क्यों नहीं है, लेकिन ये बात समझ आई भी है, बस डेस्टिनी वही है कि आकाश अनंत गुना बड़ा है, अनंत असीम अमाप इतना बड़ा है, इसलिए आकाश के प्रदेश अनंत है, आत्मा के प्रदेश असंख्य ही है, ये डेस्टिनी आ गई। अब क्यों है इसके अंदर कोई कारण नहीं है कि भाई किस तरह से कोई रचना करके बना करके सेटिंग किया है, ऐसा तो है नहीं सर, जो डेस्टिनी है वही है, सब नेचुरल है। अच्छा, आकाश और आत्मा के गुणों में समानता क्या है? द्रव्य में समानता है, गुणों में द्रव्य में समानता है, गुणों में विषमता है। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद, बरोबर पकड़िए, ध्यान जाए। हाँ महाराज, नहीं नहीं महाराज, आपकी क्लास हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, ये क्लास करने के बाद बाकी चीजें तो पिकी हो गई है लाइफ, मैं देखा हूँ जो आगे और चीजें देखने में जो मनोरंजन में इंटरेस्ट होता था वो तो अब और ज्यादा फीका हो गया, मैं देखा हूँ, और ये क्लास की बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अच्छा महाराज, एक बात महाराज मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ महाराज, जो धर्मास्तिका का गुण है गति में सहायक, गति सहायक जो करता है वो धर्मास्तिका का गुण है, तो धर्मास्तिका को गति मतलब लोक के बाहर जो है अलोक है, अलोक में धर्मास्तिका नहीं है। आगे बात आएगी, अभी बेसिक चल रहे हैं, अभी हम पहले बेसिक करें, अभी एक एक द्रव्य का लेंगे तब डिटेल करेंगे, ठीक है? आप उसके आगे की बात अभी लाओगे नहीं, नहीं आपसे समझाऊंगा, आगे आएंगे। अच्छा ठीक है, आप उमेश जी जैसे बन जाएंगे। बोलिए उमेश जी, अभी इनका भी सुन लो आप महाराज जी, ये कह रहे हैं जी आकाश और आत्मा के अनंत गुण है, आकाश का एक गुण है। महाराज जी, आत्मा अगर आकाश का, आकाश भी अरूपी है
अदृश्य है, आत्मा भी अरूपी है, अदृश्य है, ये सेम नहीं हो गए जी? बात आपने गुण की। हाँ जी महाराज, गुण की करेंगे पर गुण भिन्न भिन्न है, आपने गुण नहीं पकड़ा है, धर्म पकड़े हैं। आप उसके भेद समझेंगे तो क्या रह जाएगा, समान धर्म कौन से हैं, विषम गुण कौन से हैं, गुण की समानता कैसे नहीं है और समान धर्मों की। अब ये पहले हम आगे क्लास करेंगे तब भेद समझ में आ जाएगा। ठीक है।